खबर है भदोही से। ज्ञानपुर विधानसभा जो पूरे उत्तर प्रदेश में सुर्खियों में है, यहां से लगातार 3 बार विधायक रहे विजय मिश्रा जो इस वक्त जेल में है, उनकी धर्मपत्नी ने जनता से अपने पति को बचाने की गुहार लगाई है। इस दौरान अपने सुहाग को बचा लेने की गुहार लगाते हुए उन्होंने कहा कि इस बार भी ज्ञानपुर की जनता उनको अपनी कीमती वोट देकर हमें अपने परिवार के साथ न्याय दिलाने में मदद करेगी। वहीं हमने ज्ञानपुर विधानसभा के कई सामाजिक कार्यकर्ता व संगठन के लोगों को मुलाकात की और राम सागर चौरसिया एडवोकेट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि विजय मिश्रा इस क्षेत्र के विकास पुरुष हैं और इसी रूप में जाने व पहचाने जाते हैं, जिन्होंने जेल में रहते हुए भी विकास को रुकने नहीं दिया। वहीं उपेंद्र तिवारी और शुक्ला जी भी एक स्वर में कहा कि विधायक जी फिर ज्ञानपुर विधानसभा सीट पर कामयाब होंगे और यहां पर सभी वर्गों का साथ हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब कायम है, इसका परिणाम जनता 10 मार्च को बता देगी। भदोही से आजाद खान बापू की रिपोर्ट। विजय मिश्रा जी के क्षेत्र में है हमारे साथ तिवारी जी और एमएलसी रामलली जी भी उपस्थित हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं 2022 की चुनाव तिवारी जी किस नज़रिए से आप देखना चाहते हैं? इसमें विजय मिश्रा जी जो खड़े हुए हैं ये आपका जन जन के लिए पूर्णतः सहयोग कर रहे हैं, ये गरीबों के लिए मसीहा है विजय मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक विजय मिश्रा जी, गरीबों के लिए मसीहा है। अब मैं डायरेक्ट जो है रामलली जी जो एमएलसी हैं उनसे मिलना चाहता हूँ, क्या कहना चाहती हैं आप? माँ भगवती का नाम लेते हुए मैं सबसे अपील करना चाहती हूँ, आचक फैला करके अपने ज्ञानपुर विधानसभा के छोटे बड़े से सब अपील करती हूँ कि हमारे पति के जेल से निसारे हैं वो। बहुत बहुत धन्यवाद, ये कहती हैं हमारे पति के साथ अन्याय हुआ है, हमें न्याय चाहिए। और अब हमारे बीच में चौरसिया जी जो एडवोकेट हैं, पुराने सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, मैं उनसे रूबरू हो रहा हूँ, पूछना चाहता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं? पूर्व एसोसिएशन बार अध्यक्ष के जो है अध्यक्ष रहे हैं राम सागर चौरसिया जी, हम यही कहना चाहते हैं कि सुनती रहे कि ये ज्ञानपुर विधानसभा आदर्श विधानसभा हो जाएगी, लेकिन हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि इधर 15 साल में जब तक विधायक रहे और आज तक विधायक जी के जरिए ये पूरी ज्ञान सभा, मैं समझता हूँ ज्ञानपुर विधानसभा उत्तर प्रदेश में वाकई में आदर्श विधानसभा है। जितना यहाँ विकास हुआ है वो किसी भी उत्तर प्रदेश की किसी भी विधानसभा क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। ये यहाँ के रहनुमा ईश्वर है और विधायक जी गरीबों के मसीहा हैं और हर आदमी हर जाति हर धर्म के लोगों को एक नज़रिए से देख करके सबका उपकार किया है। इनके एहसान से पूरी ज्ञानपुर विधानसभा की जितनी आवाम है, जनता है, हिंदू मुसलमान जो भी जातियां हैं, सारे लोग संतुष्ट हैं और सभी लोगों की एक राय है कि एकजुट होकर के वो विधायक जी को भारी मतों से विजयी बनाने का संकल्प ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।